इंडिया वर्सेज पाकिस्तान का मुकाबला और इंडिया को जीत के लिए 6 बॉलों में 16 रनों की ज़रूरत, और स्ट्राइक पे सौरभ गांगुली और बॉल है शोएब अख्तर के साथ में, और पहली बॉल शॉर्ट बॉल और शॉट मारा चौका तो नहीं, एक रन नहीं नहीं दो रन का कॉल और दो रन आसानी से पहुंच गए। कीपर की अपील लेकिन एम्पायर नॉट आउट देते हुए। अब 5 गेंदों में 14 रनों की ज़रूरत और गांगुली को स्ट्राइक मिल गई दो रन के साथ। और अगली बॉल हार्ड लेंथ बॉल शॉट मारा और पुल कर दिया 4 रन के लिए 4 रन। अब इंडिया जीत के करीब पहुंचता हुआ। अब इंडिया को जीत के लिए 3 बॉलों में 14 रनों की ज़रूरत और सौरभ गांगुली फिर से स्ट्राइक पर रहेंगे, और शोएब अख्तर के हाथ में बॉल है और देखिए हल्की सी शॉर्ट बॉल और पुल कर दिया 4 रन। वहाँ कोई फील्डर नहीं था, थर्ड मैन अंदर था और 4 रन। थर्ड मैन स्क्वायर लेग दोनों अंदर हैं और फील्ड में चेंज किए जा रहे हैं, अब भी दोनों अंदर हैं, थर्ड मैन स्क्वायर लेग दोनों सर्कल के अंदर, क्या करेंगे? स्लोर बनानी चाहिए, स्लोर बनाएगी सही। और अगली बॉल शोएब अख्तर की, यह बॉल उस स्लोर बन शॉट मारा पुश किया 2 रन के लिए, क्योंकि स्ट्राइक सौरभ गांगुली लेना चाहते हैं और 2 रन कंप्लीट करेंगे। अब इंडिया को जीत के लिए 3 बॉलों में 8 रनों की ज़रूरत और फिर अगली बॉल लेकर शोएब अख्तर की अगली बॉल और स्लोर बन बॉल और मिस किया, नहीं बड़ा शॉट मारने की कोशिश और कोई संपर्क नहीं बैठ से। अब 2 बॉलों पर 8 रनों की ज़रूरत, अब मैच इंडिया के पकड़ से दूर जाता हुआ। और यह बॉल बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉल है इस ओवर की, और शॉट मारा और 6 रन, इसी के साथ 6 रन स्कूप किया 6 रन, और इंडिया मैच में वापस बंधा हुआ। फिर से स्लोर बन करने का प्रयास, वो पहले ही बैट्समैन ने पढ़ लिया, और इसी के साथ अपना 8 शतक पूरा करेंगे। बहुत ही शानदार पारी खेलते हुए सौरभ गांगुली, कप्तानी पारी खेलते हुए 50 रन पूरे किए। देखिए स्लोर बन थी और पहले हटे और शॉट मारा स्कूप किया 6 रन के लिए, और थर्ड मैन स्क्वायर लेग दोनों अंदर थे तो कोई खतरा नहीं था और आसानी शॉट खेल पाए। अब इंडिया को जीत के लिए 1 बॉल में 2 रनों की ज़रूरत है, 1 रन आएगा तो मैच टाई होगा और 2 रन के साथ इंडिया जीत जाएगा। और अगली बॉल करेंगे लेंथ बॉल पुश किया, बड़ा शॉट मारने की कोशिश नहीं, 1 रन तो आसानी से पूरा करेंगे, और 2 रन का कॉल और 2 रन भी कंप्लीट करेंगे, और इसी के साथ इंडिया मैच जीता हुआ। सौरभ गांगुली ने मैच जिता दिया, इंडिया ने 5 विकेट से मैच जीत लिया है। एक 20 साल का लक्ष्य का पीछा करे तो आसानी से लक्ष्य का पीछा कर पाए, 363 रन का पीछा इंडिया की तरह। और मैच के हीरो रेश वीरेंद्र सहवाग जिन्होंने शतक लगाया, और सौरभ गांगुली जिन्होंने फिनिश किया आखिरी छुट्टी लगा के।